वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज हम दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, दो इम्पोर्टेंट भर्तियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम फॉरेस्ट से रिलेटेड बात करेंगे, यानी कि वन विभाग से रिलेटेड, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर यानी कि वन दरोगा की बात करेंगे, नई भर्ती की बात करेंगे, वेटिंग की बात करेंगे, सब कुछ की बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, जो सबसे पहले बड़ी अपडेट है और बड़ी खबर है कि पुलिस कांस्टेबल की, जैसे कि आपको पता है कि रिसेंट टाइम में पुलिस कांस्टेबल के लगभग 1550 पदों के लिए नई भर्ती आनी है। लेकिन ये खबर बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन कभी एग्जैक्टली कोई पक्की खबर नहीं आ रही कि कब तक ये आएगी, पहली बात। दूसरी बात, उम्र सीमा को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। बेरोजगार संघ लगातार इस पे क्वेश्चन अरेज कर रहा है कि उम्र सीमा बढ़ के आनी चाहिए, 28 आनी चाहिए। अब देखना यह है कि 28 आती है कि 25 आती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर उम्मीद है कि नई भर्ती में उम्र सीमा बढ़कर आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात है, इसके लिए बेरोजगार संघ का एक डेलीगेशन, जी हाँ, बेरोजगार संघ का एक डेलीगेशन वेडनेसडे या थर्सडे के आसपास सचिवालय जाके कार्मिक सचिवालय से सचिवालय जाके जो कार्मिक सचिव हैं उनसे मुलाकात करेगा और एक्यूरेट चीज़ें जानने की कोशिश करेगा कि कब तक नई भर्ती आएगी और उम्र सीमा को लेकर क्या हो रहा है। जैसे कि आपको पता है जो सोशलिस्ट हैं जुगरान जी भी लगातार इसको लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं कि उम्र सीमा बढ़नी चाहिए। पिछली भर्ती में भी लगातार डेलीगेशन, चाहे वो बेरोजगार संघ का हो चाहे उनका हो, लगातार मुख्यमंत्री कार्मिक विभाग सचिवालय सभी जगह गया था, लेकिन उम्र सीमा नहीं बढ़ी। हालांकि यहाँ तक कि कोर्ट में भी ये मामला गया था उम्र सीमा को लेकर, लेकिन कोई भी बात यहाँ पर नहीं बन पाए थे। लेकिन इस बार ये होना बिल्कुल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो रह गए हैं उम्र सीमा को लेकर। तो उम्मीद है कि उम्र सीमा बढ़ेगी और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि वेनेसडे या थर्सडे के आसपास बेरोजगार संघ का एक डेलीगेशन कार्मिक विभाग के अधिकारी से मिलेगा और तमाम जो उनके सचिव साहब हैं कार्मिक, उनसे मुलाकात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको जो है बाहर निकलते हुए आते हुए दिखाई देंगे। तो कोई भी अपडेट आएगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे इसको, ठीक है। चलिए, दूसरी बड़ी बात है फॉरेस्ट गार्ड को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंट टाइम में हमने आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी इसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं लगातार। वन मुख्यालय वो गए थे, वहाँ के जो सचिव हैं उनसे मुलाकात की थी और उसके ठीक बाद आपने देखा होगा और बेरोजगार संघ का डेलीगेशन भी लगातार इस पर काम कर रहा था, वो लोक सेवा आयोग भी गया था। कुछ अभ्यर्थियों के नाम, ये 18 में उनके बता रहा हूँ बंदी रख सके, बहुत सारे अभ्यर्थियों की एक लिस्ट निकाली गई थी जिसमें ये कहा गया था कि इन अभ्यर्थियों ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की है, इनको आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 6 जून के आसपास जो है उनको टाइम दिया गया था कि आप इसको ज्वाइन कर लें अन्यथा आपका अभ्यर्थन जो है निरस्त माना जाएगा, ऐसा कहा गया था। अब उसके बाद क्या आगे कार्रवाई हुई इसके ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी भी लटका हुआ है, क्योंकि या तो आपको बीच में खबर आई थी वनों में किस तरह से उत्तराखंड में आग लगी और कर्मियों के नहीं होने की वजह से बड़ा सवाल सरकार के ऊपर उठा था, इसीलिए सरकार ने फॉरेस्ट गार्ड की नई भर्ती लगभग 1000 पदों और जबकि फॉरेस्टर यानी कि वन दरोगा के लगभग 200 पदों यानी कि 1200 के आसपास पदों की घोषणा की थी। लेकिन बीच में एक खबर आई थी कि जस्ट 50-50 होंगे, यानी कि वन दरोगा के 150 और फॉरेस्ट गार्ड के 400 के आसपास आपको, वो तो जब नई भर्ती आएगी तब जाके एक्यूरेट मालूम चलेगा और जो नई भर्ती है जुलाई के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। और दूसरी बड़ी बात कि जो जानने को आ रही है
खबर सूत्रों से कि नई भर्ती का अध्याचन लोक सेवा आयोग के पास चला गया है। जी हाँ, नई भर्ती वो वन दरोगा और फॉरेस्ट गार्ड का अध्याचन लोक सेवा आयोग के पास चला गया है। और नई भर्ती का अगर एक बार नोटिफिकेशन निकल गया तो फिर पुरानी भर्ती की जो वेटिंग लिस्ट है ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगी। इसमें नई भर्ती में जो है वो पद ऐड हो जाएंगे। इसलिए आयोग पर दबाव बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बेरोजगार संघ के डेलीगेशन की ओर से दबाव बनाया जाए, चाहे वो बाहर के सोर्सों से बनाया जाए। तो ये रही बड़ी अपडेट। दो भर्तियों के बारे में हमने आपको सूचनाएं दी, जिनमें जो महत्वपूर्ण है आपके पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती है और उसके वेटिंग को लेकर भी आपने देखा होगा कि लगातार समय पे ये बात उठती रहती है कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की जो वेटिंग लिस्ट है लगभग 200 के पदों के आसपास जो वो निकलने वाले थे, लेकिन अभी तक जो है बीच में अटकी हुई है। कहा भी जा रहा था कि आचार संहिता की वजह से वो अटकी है। यहाँ पर भी वही मामला है, अगर नई भर्ती पुलिस कांस्टेबल की आ गई तो पुराने अध्याचन नई भर्ती आ गई तो स्वाभाविक सी बात है आप वेटिंग भूल जाइए, वो उसमें पद ऐड हो जाएंगे। तो बहुत सारी खबरें हैं, अब 2-3 दिन और वेट करना है, बहुत सारी चीज़ें और बाहर निकल के सामने आएंगी। तो आप यहाँ तक आ गए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर लिया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।